हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट इडली सांभर और पीनट चटनी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सांभर बनाएंगे जिसके लिए एक कप अरहर की दाल को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसको वॉश करके साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ वेजीज को हमें रफली चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने कद्दू, गाजर, प्याज, टमाटर लिया था। अब यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया है जितनी सब्जियां कट की थी वो। दाल, हल्दी और नमक के साथ लहसुन और मिर्च को भी इसमें डाल के हमें इसे कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने तक कुक करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इमली ली है। इमली को हमें गर्म पानी में भिगो के रखना है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब इडली बनाने के लिए हमें 2 कप रवा सूजी को हल्का सा पीस लेंगे। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे इस तरह इतना पीसना है कि हल्का सा हाथ में पाउडर जैसा हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी से मैंने दही भी लिया है। 1 कटोरी पानी उसी कटोरी से। इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे हम। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे हमें रखना है साइड में रेस्ट के लिए। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक हम चटनी की तैयारी करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच तेल। ये जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे चने की दाल। इसे हल्का सा भून लेंगे। अब 1 कप हमें डालना है मूंगफली। इसे भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है। अब हम इसमें डालना है 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। इसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक इतना सारा काम किया तब तक हमारा सांभर भी 4 सीटी लग चुका है इसमें। ये देखिए, ढक्कन हटाया मैंने। अब इसे एक बार अच्छे से स्टर करेंगे। अब हमने जो इमली भिगोई थी उसे हाथों के हेल्प से मैश करके छन्नी की हेल्प से इसे छान लेंगे और इसे सांभर में ऐसे डाल देंगे। अब इसमें हमें 3 बड़े चम्मच सांभर मसाला डालना है। इसे हम मिक्स करेंगे। अब आइए सांभर के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हमें ऑयल में डालना है थोड़ी सी राई, थोड़ा सा हींग, करी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। ऐसे हमें सांभर में डाल देना है और ये हमारा सांभर बनके एकदम तैयार है। अब हमें एक तड़का और बनाना है चटनी के लिए। जिसके लिए ऑयल में डालेंगे राई, करी लीव्स और लाल मिर्च। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, अब हमने जो पीनट भून के रखा था उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हमें पीसना है। हल्का सा जब ग्राइंड हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू का रस या फिर इमली का पानी भी डाल सकते हैं। वैसे हमें लगभग 1 कटोरी पानी डाला है। इसे भी हमें पीस लेना है। ये देखिए, अब हम इसमें तड़का जो बनाया था वो डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारी मूंगफली की चटनी बनके रेडी है। अब आइए चलते हैं इडली बनाने के लिए। इडली का जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था उसमें डालेंगे हम नमक, 2 चम्मच इनो। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट इनो लिया है, लगभग 2 चम्मच के बराबर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें
इडली मोल्ड में लगाना है थोड़ा सा ऑयल। अब एक एक स्पून बैटर हम इडली मोल्ड में डाल देंगे। अब इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। मैंने इसे कुकर में डाल के इस तरह से ऊपर से ढक्कन ऐसे रख दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और एक बार चेक करेंगे। ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है, ये इडली अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है और ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। ये तुरंत बन भी जाती है और काफी सॉफ्ट बनती है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। और ये हमारा इंस्टेंट इडली सांभर और पीनट चटनी बनके रेडी है। कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।